लियो। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिर्फ बिग न्यूज। भाई, अब कुत्तों के काटने पर, आवारा पशुओं के काटने पर आपको भी मिल सकते हैं हजारों लाखों रुपए। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि भाई ये क्या बकवास है, क्या अफवाह है, भला आवारा पशुओं के काटने पर भी किसी को हजारों लाखों रुपए मिलते हैं, और अगर मिलते ही हैं तो भाई ये पैसे बांट कौन रहा है। तो भाई आज यही खबर बताने के लिए आप लोगों के साथ लाइव जुड़ी हूं। दरअसल पिछले काफी समय में आवारा पशुओं की वजह से बढ़ते रोड एक्सीडेंट, चोटें और मौतों का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ चुका है, और ये केसेस जो हैं अब कोर्ट में भी जाने लगे हैं। और ऐसे ही 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए हाल ही में हाई कोर्ट की तरफ से, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जो है आदेश दिए गए पंजाब को, हरियाणा को और चंडीगढ़ को कि वो इन केसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये सारे दोनों राज्य सरकारें और चंडीगढ़ जो है इन सारे केसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सारी चीजों की जानकारी रखे, जिम्मेदारी ले और साथ साथ मुआवजा भी दे। जी हाँ, अब हजारों लाखों रुपए मुआवजे के तौर पर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से, कैसे, वो चलिए अभी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपके आसपास अगर आवारा पशु है, मानिए कि आवारा कुत्ता है और वो अगर आपको काट देता है, तो आवारा कुत्ते के काटने के बाद जो दांत के निशान अगर आपके शरीर पर रह जाते हैं तो प्रति दांत के निशान आपको 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। प्रति दांत के निशान पर मान के चलिए कि आपके शरीर पर 5, 6, 7, 8, 10 निशान है, तो उसी हिसाब से प्रति दांत के निशान के हिसाब से आपको 10,000 रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। और वहीं अगर किसी आवारा पशु ने, आवारा कुत्ते ने आपको जरूरत से ज्यादा काट लिया है, आपके घाव शरीर के अंदर जो है, आपकी स्किन के अंदर, आपकी चमड़ी के अंदर अगर घाव हुआ है या फिर मांस बाहर निकाल लिया गया है, तो ऐसे में आपको प्रति 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से 20,000 रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। प्रति 0.2 सेंटीमीटर के हिसाब से 20,000 रुपए का मुआवजा आप लोगों को मिलने वाला है। इसके लिए जितने जरूरी, इसके लिए हाईकोर्ट ने जो है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये सीधे सीधे आदेश दिए हैं कि जितने भी जरूरी कागजात हैं उन्हें जमा करवाने के बाद यार 4 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकारों को मुआवजे का भुगतान करना होगा। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यायमूर्ति एस भारद्वाज की पीठ ने यह फैसला लिया, और हाल ही में जो है यह फैसला हम सभी के सामने आया, जहां पर लगातार इस तरीके के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो है यह स्ट्रिक्ट फैसला लिया गया, और साथ साथ जो है दोनों ही राज्य सरकारों को, साथ ही चंडीगढ़ को यह सख्त आदेश दिए गए हैं ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से कि इस मामले में सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, बेंच बनाए जाएं, या पूरा का जो है इस पूरी चीज को लेकर के एक कमेटी बनाई जाए जो आपके पूरे एरिया के अंदर, राज्य के अंदर जो है इस चीज की मॉनिटरिंग रखे। और साथ ही अगर आवारा पशु, जो आवारा कुत्ता है, वो यदि किसी संस्थान, किसी डिपार्टमेंट, किसी एजेंसी, किसी शख्स से जो है रिश्ता उसका है, कोई नाता किसी तरीके से वो है उसका, तो राज्य सरकार उस मुआवजे का भुगतान रिलेटेड एजेंसी, डिपार्टमेंट या पर्सन से ले सकती है जो मुआवजा जिसने दावा किया है उसको मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दूं कि अब पुलिस को भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। जैसे ही पुलिस को आवारा पशु के काटने से या उसके कारण किसी बड़े हादसे की, अनहोनी की जो है जानकारी मिलती है, तो पुलिस को भी तुरंत सख्त कार्रवाई करनी होगी। और इस मामले में SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, को DGR जो है तुरंत देने की दैनिक डायरी रिकॉर्ड दर्ज करना होगा, मौके पर जाकर के जितने गवाह हैं उनका बयान लेना होगा, एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी, और वो रिपोर्ट की एक कॉपी जिस व्यक्ति को पशु ने काटा है उसे भी देनी होगी, और इसी के बिहाफ पर जो है आगे ये सारे अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आगे मुआवजे के लिए काम आने वाले हैं। दरअसल ये सारी जानकारी जो है हाल ही में हमारे सामने निकल करके आई थी, और
रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरे हरियाणा के अंदर अगर मैं बात करूं या पंजाब में भी काफी ऐसे केसेस जो है आए दिन सुनने को मिलते हैं, चंडीगढ़ में ऐसे काफी केसेस जो है सुनने को मिलते हैं, और ये जो आवारा पशुओं का आतंक है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है हमारे स्टेट के अंदर। जहां जाइए आप, जिस भी सड़क पर निकलिए, कहीं ना कहीं जो है आपको ऐसे किसी घटना की जानकारी मिल जाएगी जो आज या पहले कभी हुई है, और इस तरीके से लगातार जो है ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी, जिनकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस भारद्वाज की पीठ ने ये फैसला दिया है 193 याचिकाओं को निपटाते हुए कि भाई आइंदा से अगर कोई आवारा पशु किसी को काटता है, कोई कुत्ता काटता है, तो भाई एक निशान के, एक दांत के निशान के हिसाब से 10,000 रुपए का मुआवजा होगा, और वहीं अगर दांत के निशान एक से ज्यादा है तो पैसे यानी मुआवजा बढ़ता हुआ चला जाएगा, और वहीं अगर आपके स्किन के अंदर, आपके चमड़ी के अंदर दांत के निशान है, घाव है, घाव अगर चमड़ी में हो गया है, स्किन में हो गया है, तो उसके हिसाब से 0.2 सेंटीमीटर, कितना छोटा सा होता है वो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 0.2 सेंटीमीटर के दायरे के हिसाब से आपको, प्रति 0.2 सेंटीमीटर के दायरे के हिसाब से आपको 20,000 रुपए मिलने वाले हैं। वो घाव जितना बड़ा होगा, जितनी चोटें ज्यादा आपको आई होंगे, मुआवजा भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। एक ये बेहतरीन फैसला जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से मान रही हूं, क्योंकि भाई लगातार इस तरीके के बहुत सारे केसेस आ रहे थे, बहुत सारे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, या तमाम ऐसी वीडियोस जो है हमारे सामने निकल करके आ रही थी जहां पर जो है आवारा पशुओं का आतंक कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। देखिए कारण तमाम हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, हो सकते हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं उनके इलाके में घुस रहे हैं, या मैनेजमेंट जो है कई शहरों का, प्रशासन, नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, वो ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है, या ऐसे कई कारण है, लेकिन फिर भी इंसानों को इस वजह से काफी समस्याएं हो रही हैं। आवारा पशुओं की वजह से बहुत सारे लोगों को चोटें लग रही हैं, बहुत सारे घरों के वारिस उजड़ चुके हैं, मौतें हो रही हैं आवारा पशुओं की वजह से, और ऐसा शायद कोई किस्सा आपके नोन में जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये बात इतनी आम हो चुकी है कि आपके आसपास कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जिसे आवारा पशु काट लेते हैं। हाल ही में हिसार के अंदर बंदरों के काटने की भी काफी ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां पर बुजुर्गों को या फिर महिलाओं को जो है बंदरों ने बड़ी बुरे तरीके से काटा था, तो उनके काटने पर भी ये सेम मुआवजा आपको मिलने वाला है, न सिर्फ कुत्तों के बल्कि आवारा पशुओं के काटने पर जो है ये मुआवजा आपको मिलने वाला है, प्रति दांत के निशान के हिसाब से 10,000 रुपए और प्रति 0.2 सेंटीमीटर के एरिया के अकॉर्डिंगली 20,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। और ये फैसला हाल ही में हमारे सामने आया है जहां पर न्यायमूर्ति एस भारद्वाज की पीठ ने यह फैसला हमारे सामने रखा है। वैसे इस फैसले को लेकर के आपकी राय क्या है कि इस फैसले को लेकर के कितना फायदा या कितनी जागरूकता जो है आम पब्लिक में हमारे साथ होने वाली है, आपकी राय क्या है, साथ साथ कमेंट में बॉक्स में लिखकर के बताते रहिए। आपके कमेंट जो है मैं साथ साथ पढ़ने वाली हूं, क्योंकि देखिए कहीं किसी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहां कोई ना कोई जरूर ऐसा केस आपको मिल जाएगा। आए दिन हम अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं कि आवारा पशुओं का आतंक जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, फैल चुका है, और जिस पर जो है लगाम नहीं लगाई जा रही है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं बंदरों को पकड़ने के लिए, आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए या नसबंदी करने के लिए, तमाम जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन शायद सिर्फ कागजों के ऊपर ही अभियान है। हकीकत में जमीनी लेवल पर, अगर जमीनी सतह पर हम अगर बात करें, तो उतने जोरदार ये अभियान नहीं है जितने जोरदार इन्हें कागजों में दिखाया जा रहा है, और इसी का असर अब सड़कों पर साफ दिखने को लगा है कि अब छोटे बच्चे को घर के सामने खेलते हुए देखने में भी डर लगता है कि कोई आवारा पशु आकर के उसे कहीं कोई चोट, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरीके की जो है लगातार आप जो है कहीं ना कहीं अपडेट सुनते रहते हैं कि भाई यहां इस गली में किसी ने कुत्ते ने काटा है, तो अजय भारतीय जी बोल रहे हैं कि मुझे कुत्ते ने काटा है। तो अजय भारतीय जी, ये खबर आपके लिए है कि अगर आपको हाल फिलहाल 4 महीने के अंदर किसी कुत्ते ने काटा है, तो जो है आप अपनी चोट के निशान की डॉक्टरी या जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाकर के आप अगर राज्य सरकार जो बेंच बनाती है उसे सौंपेंगे, क्योंकि अभी जो है ये सारी कमेटियां बननी बाकी हैं, ये सब आदेश आए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से, और जल्द ही भविष्य में उम्मीद है कि इस तरीके की कमेटियां हमारे सामने होंगी जो एटलीस्ट किसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है, शरीर की जितने दवाइयां हैं एटलीस्ट उसका खर्चा तो उसे वापस मिलेगा। अब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ कमाने का तरीका है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको चोट लगती है, सोचिए आपको या आपकी किसी जान पहचान वाले को चोट लगती है, उसे घाव होते हैं, तो उतना खर्चा आपको दवाइयों का लग जाने वाला है। तो
इस तरीके से अभी फिलहाल जो है ये फैसला आया है, जो बताना मैंने बेहद जरूरी आप लोगों को समझा, एक ये जानकारी निकल करके आई थी जो बेहद जरूरी थी आप लोगों के साथ साझा करनी। खैर ये खबर यहीं तक, आगे सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लगातार यूं ही अपडेट्स आप लोगों को देते रहेंगे। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।